अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं चिनियोट की एक और मशहूर और तारीखी जगह पे, जिसका नाम है उमर हयात महल और इसका पुराना नाम गुलजार मंजिल है। तो आज आपको इसके बारे में इंतहाई तफसील से बताएंगे और साथ आपको इंतहाई तफसील के साथ दिखाएंगे भी। आज हम चिनियोट की उस जगह पे आए हैं कि जिसके साथ एक दास्तान आलम भी मुंसलिक है। शेख उमर हयात 1877 में शेख नूरबख्श के यहाँ महल्ला ढुगी पार में पैदा हुए। इनके वालिद ने दो शादियाँ की थी। पहली बीवी के बतन से 5 बेटे उमर हयात कादर बख्श, मेहर बख्श, अल्ला यार और अहमद यार थे, जबकि दूसरी बीवी से एक बेटा मोहम्मद हुसैन पैदा हुए। उमर हयात ने इब्तदाई तालीम चिनियोट में हासिल की। जब जवानी में कदम रखा तो अपनी बरदरी के दूसरे अफराद की तरह तजारत के लिए कलकत्ता चला गया। चिनियोट अहद कदीम से ही एक तजारती गुजरगाह रहा है। मशरक़ वस्ती और यूरोप से आने वाले तजारती कारवान यहाँ से गुजर कर बरसगीर के शहरों में सामान तजारत फरोख्त करते थे। यही वजह है कि चिनियोट बहुत से तजारती ख़ानदानों का मस्कन है, जैसे कि भराड़े, सहगल, वोहरे वगैरह। यही ख़ानदान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम करदार अदा कर रहे हैं। तकसीम हिंद से कबल यहाँ के कारोबारी लोग कलकत्ता, अमृतसर, ढाका, मुंबई, मद्रास और दूसरे शहरों में कारोबार करते थे। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इन लोगों ने कराची, लाहौर और फैसलाबाद ही नहीं, बल्कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा तजारती शहर हो जहाँ चिनियोट शेख बरादरी ने अपने कारोबारी मरकज़ और सनती यूनिट ना लगाए हों। शेख उमर हयात भी वोहरा ख़ानदान से तलक रखता था। इसने कलकत्ता में चमड़े का कारोबार शुरू किया, लेकिन इसमें नुकसान हुआ। बाद में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया जो चल निकला। दिन रात मेहनत करके इस कारोबार में खूब तरक्की की और दौलत भी खूब कमाई। उमर हयात उस दौर में कलकत्ता का मारूफ ट्रांसपोर्टर था। इसकी कई बसें और ट्रक चलते थे। इसने कलकत्ता में मार्केट और अपनी रहाइश के लिए हवेली भी बनवाई, जो तकसीम हिंद तक उनकी मलकियत रही और तकसीम के बाद उनके नौकरों ने अपने नाम करा ली। एक दूसरी रवायत के मुताबिक शेख उमर हयात की दौलत सिट्टाबाजी की मरहून मिन्नत थी। वो कलकत्ता में आने वाले चमड़े के जहाज़ों और घुड़दौड़ पर सिट्टा खेला करता था, जिससे खूब दौलत कमाई। उमर हयात ख़ुद भी घुड़सवारी का बहुत शौकीन था। बहरहाल उमर हयात ने यह मालोजर कारोबार से कमाया या सिट्टाबाजी से, वो अपने दौर का मालदार आदमी था। उमर हयात शाहाना मिजाज का मालिक था। वो मुग़ल शहजादों की तरह हाथों में सोने के कड़े और गले में हार पहनता था, जबकि लिबास भड़कीला रेशमी ज़ेब तन करता, पापोश तिल्लादार खुसा होता, सर पर कुल्ला सजाता था। बकौल चनाब के साहिल पर के मुसन्निफ़ जी आर आवान, जो कि उर्दू डाइजेस्ट सियाहत नंबर अप्रैल 2002 में तहरीर करते हैं, कि शेख उमर हयात तवायफों के डेरा पर पहुंचा। वहां एक हसीना महवे रक्स थी। उमर हयात ने जब इस परी पैकर को देखा तो देखता रह गया। वो इस नाजुक अंदाम हसीना की जुल्फ़े गिरा गिर का असीर हो गया। दिल उसके कब्ज़ा में नहीं रहा। तबले की थाप पर थरकते बदन का हर हर अंग उमर हयात के दिल की तारों को छेड़ रहा था। इस हसीना का नाम हैदर बांदी था। वो खुद फरामोशी की हालत में इस खूबरू जवान को, जो मुग़ल शहजादों के लिबास में घोड़े पर सवार था, तके जा रही थी। वो दोनों आँखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में उतर चुके थे। कुछ अरसा बाद आखिरकार उमर हयात ने अपने भाई के ज़रिए शादी का पैगाम इस शर्त के साथ भेजा कि वह अपने तमाम रिश्तेदारों को भूल जाएगी और आइंदा तमाम उम्र उनसे कोई नाता नहीं रखेगी। हैदर बांदी के लिए ये हकीकत अगरचा बहुत तलख थी, लेकिन वफा की इस देवी ने सब छोड़ छाड़ कर उमर हयात की शर्त मानते हुए शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इश्क में तख्तो ताज की कुर्बानी तो सुनते आए हैं, लेकिन मोहब्बत में माँ बाप बहन भाई से जुदाई की कुर्बानी ये हसीना का ही काम था। इनकी रजामंदी के बाद 1912 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद हैदर बांदी का नाम उमर हयात ने फातिमा बीबी रखा, ताकि माजी से जुड़ी हुई हर निशानी मिट जाए। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन कलकत्ता चले गए। फातिमा बीबी बहुत खुदा तर्स खातून थी। वो जब भी चिनियोट आती दिल खोलकर गरीबों और मस्कीनों में खैरात बांटती थी। फिर अल्लाह ने एक बेटी के बाद 1916 में चांद से बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने गुलजार रखा।
अभी बच्चा 5-6 साल का ही था कि माँ बाप ने अपने बेटे के लिए आबाई शहर चिन्योट में गुलजार महल के नाम से महल बनवाना शुरू किया, जो 1928 में मुकम्मल हुआ। महल की तकमील के कुछ अरसा बाद 1935 में उमर हयात का इंतकाल हो गया और इसको आबाई कब्रिस्तान हाफज दीवान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उमर हयात की वफात के बाद फातिमा बीबी अपने कम सिन बच्चे की परवरिश और तरबियत में मगन हो गई। जब गुलजार ने सने शऊर में कदम रखा तो उसने महल की रौनकें बहाल करने के लिए अपने बेटे की शादी करने की ठानी और उमर हयात के भतीजे मोहम्मद सईद की दुख्तर ताज बीबी से गुलजार की नस्बत तय कर दी और शादी के लिए 27 फरवरी 1938 की तारीख मुकर्रर हुई। शादी से 3 माह कबल ही फातिमा और उसका बेटा कलकत्ता से चिन्योट मुंतकिल हो गए और शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। महल में औरतें ढोलक की थाप पर लोक गीत माहिए गातीं, ये महफिलें रात गए तक जारी रहतीं। मर्दों के लिए अलहदा से इंतज़ाम किया गया था। घर में कई हफ्ते पहले ही नानबाई बिठा दिया गया जो शादी के लिए मिठाइयाँ और दूसरे पकवान तैयार करते। महल में मेले का समा है, खुदा खुदा करके शादी के दिन आए। पहले दुल्हन को माइयों बिठाया गया, फिर दुल्हा पर रंग डाला गया, मेहंदी और आखिरकार जंज यानी बारात का दिन आया। दुल्हा को सेहरा बांधकर घोड़े पर बिठाया गया, आगे आगे बैंड बाजे वाले, फिर ढोल की थाप पर घूमर डाली गई, भंगड़ा और लुडी डाली गई। पूरे शहर का चक्कर लगाकर बारात दुल्हन के घर पहुँची। हाँ, दुल्हन वालों ने बारातियों की खातर तवाज़े की, दूध पिलाया गया, मिठाई खिलाई गई। निकाह हुआ और दुल्हन को डोली में बिठाया गया और डोली कहारों ने उठाई। आगे आगे दुल्हा, पीछे पीछे कहार डोली लिए घर पहुँचे। महल के बाहर देगें पकाने की आवाज़ पूरे माहौल में गूंज रही थी। वलीमा की तैयारियाँ हो रही थीं, खुशियाँ मनाई जा रही थीं, पर इधर कातबे तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। सुबह सादिक तलू होती है, दुल्हा अपने अरूसी कमरा से निकलकर गुसल के लिए गुसलखाना में जाता है, जहां गुसलखाने को गर्म रखने के लिए कोयलों की अंगीठी जलाई जाती है जिसका जहरीला धुआं गुसलखाना में भर जाता है। दुल्हा अपने अंजाम से बेखबर गुसलखाना में दाखिल होता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। जब काफ़ी देर तक गुसलखाने के बंद दर ना खुले तो दुल्हन को तश्वीश हुई और दूसरी तरफ माँ भी बेचैन थी। ममता के हाथों मजबूर माँ ने कमरा या रूसी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दुल्हन ने दरवाज़ा खोला, माँ ने अपनी बेचैनी का इजहार किया। दुल्हन ने बताया वो तो काफ़ी देर से गुसलखाने गए हुए हैं। गुसलखाने के बाहर से आवाज़ें दी गईं, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा गया लेकिन जवाब नदारद। आखिरकार गुसलखाने के दरवाज़ा को तोड़ा गया। अंदर का मंजर ही मुख्तलिफ था। गुलजार फर्श पर बेसुद पड़ा था। उसे कपड़े पहनाकर बाहर लाया गया, उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। महल में कोहराम मच गया, माँ बेहोश बीवी को गशी के दौरे पड़ रहे थे, रिश्तेदार आहो फगां और सीना को भी कर रहे थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर आंख जवां मर्ग पर अशकबार थी। पूरा शहर उमर हयात ख़ानदान के सोग में शरीक होने के लिए महल में उमड़ आया। कल जो उसकी बारात के आगे आगे लुडियां डाल रहे थे, आज वो उसके जनाजे को कंधा दे रहे थे। कल जो औरतें गीत गा रही थीं, आज बैन कर रही थीं। जिस धूम से बारात निकली थी उससे कई ज़्यादा अंधोनाक अंदाज में जनाजा उठा। नमाज जनाजा शाही मस्जिद के बाग में अदा की गई। चिन्योट की तारीख ने शायद ही इतना बड़ा जनाजा देखा हो। हज़ारों की तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। माँ के इसरार पर गुलजार को उमर हयात महल के सहन में दफन किया गया। जी, ये ज़हीर भाई हैं, ये हमें थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे उमर हयात महल के बारे में। जी ज़हीर भाई, बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, इस महल का सर तो नाम है गुलजार मंजिल, पर इसने शोहरत उमर हयात महल से पाई। उमर हयात एक मशहूर ताजर था, चिन्योटी ताजर। ये ना पार्टीशन से पहले इनका कारोबार जो था ना वो कोलकाता में था, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आज दुबई मार्केट है ना, पहले उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट कोलकाता हुआ करती थी, तो हमारे चिन्योटी शेखों के ज़्यादा कारोबार वहीं पे थे। बाकी आपको साथ महल दिखाते हैं। इसे 90 में बनाया गया, तो यहाँ पे कुरान पाक है, ये 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ है, कलमी नुस्खा जिसे कह लें। उसके बाद ये नीचे पाकिस्तानी सिक्के 98-94 रुपए पैसा जो सिक्के पहले चलते थे वो पड़े हुए हैं। यहाँ कबूतर की हड्डी पड़ी हुई है, पाजेब वगैरह पड़ी हुई है, और यहाँ क्रिसमस बॉक्स पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे पीतल और तांबे के बर्तन जो के महल वाले के तो नहीं है, ये बाद में रखे गए हैं मुझे साकिब साहब ने। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसे कहते हैं नगारा,
नगारा या नौबत, ये उसके ऊपर लेदर शीट हुआ करती थी। ये यहाँ पे ढोल की तरह बजाया जाता था सैरी अफ्तारी के टाइम में इसकी छत के ऊपर। हमारे ना चिनियोट में एक रिवाज है कि यहाँ पे गोला बजाते हैं पहाड़ी पे, उस पर सैरी अफ्तारी की जाती है, पर जब महल पूरा था तो ये भी बजाते थे। तो ये 1900 में कश्मीर की तारीख चली थी, तो चिनियोट के शेख इलाही बख्श वहाँ पर शहीद हुए थे। ये पहले शहीद थे, ये देखो खून खून के निशान आज भी कुर्ते के ऊपर है। और ये खंजर ये लाइट के इन्हीं की है। ये गाड़ी का टायर उमर हयात के पास जो उस वक्त कार हुआ करती थी, उस कार का टायर है। और ये है नियाज अहमद जलंधरी, इन्होंने इस महल में डिज़ाइनिंग का काम किया है, मतलब कि मजदूरी की है। जो दाल माश से काम हुआ है ना छतों पे, वो इनका सीलिंग का। उसके बाद ये सरदार मकसूद खान दुरानी 1764 में हमारे चिनियोट के गवर्नर थे, इन्हें महाराजा रणजीत सिंह ने शहीद किया था चिनियोट में आके। और यहाँ पे ये है बड़ी खूबसूरत चीज़, ये है नेल आर्ट, नाखून निगारी, नाखून के साथ कार्विंग की गई है कागज़ के ऊपर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये पूरी इसकी तारीख लिखी हुई है, ये देखिए। और ये है आगा वासिफ साहब जिन्होंने ये काम किया है यहाँ पे। और ये कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। जो महल में कुआ है ना, वो बॉटम से लेकर टॉप तक जा रहा है, आखिरी मंजिल तक कुआ है। और ये सदारती चेयर, ये ऊँट की खुहान, कैमल सीट। आए बाकी मैं आप दूसरे कमरे में। ये देखें जी, ये है गुलजार मंजिल, ओरिजिनल नाम गुलजार मंजिल था, पर इसने शोहरत ऊपर हयात महल से पाई। ये अब दो मंजिलें ऊपर से गिरा दी गई 1974 में, बोसीदा होने की वजह से। यहाँ पर खड़े होके दरिया नजर आता था, दरिया शनाब। आप इस सीलिंग देखें, ये सीलिंग, ये ना हर कमरे की सीलिंग का डिज़ाइन अलग होगा। ये सीलिंग दाल माश मिट्टी चुना गुड़ के शीरा चावल का आटा, मतलब कि ऑर्गेनिक कलर भी ऑर्गेनिक, मटीरियल भी ऑर्गेनिक। और ये सामने अब हमारा ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पोर्शन। और यहाँ पे नीचे ना उस वक्त का बैंक है, मतलब कि उस वक्त, क्योंकि आपको पता है बैंक नहीं होते थे तो लोग ऐसी जगहें बनाते थे अपना कीमती सामान, मतलब कि सोना चांदी वगैरह छुपाने के लिए ये जगहें बनाई गई हैं। और ये सामने डिज़ाइन भी अलग है, हर चीज़ का डिज़ाइन जो है ना वो अलग होगा। आए बाकी आपको दिखाते हैं। ये जो कमरा है ना, ये उमर हयात का अपना जाती कमरा था, इसे बाद में मीटिंग रूम बना दिया गया। आपको ये काम नज़र आ रहा है हमारा चिनियोट जो ताज़ी निकाले जाते हैं यहाँ पे 9-10 मोहरम में, उन पे भी यही काम है। और ये बगैर झोड़ यहाँ पे लगी हुई है सागवान बर्मा टेक, जो 50,000 रुपये स्क्वेयर फिट है। उसके बाद ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये टाइल्स मार्बल की शेप में, ये टाइल्स, ये जो यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, ये टाइल और ये ग्लास, ये वाला, ये इटली से इंपोर्ट करवाया गया ओरिजिनल। ये इटालियन ग्लास है, ये लोकल है, इटालियन ग्लास है ओरिजिनल। उसके बाद आप आए यहाँ पे, इसको आपको ये अब सारा कमरा, आप इस रूम की छत देखिए, सीलिंग, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा UH, आया लिखा हुआ UH उमर हयात। और वो सामने भी देखेगा व्हाइट लाइन में यू, ग्रीन में एच, उमर हयात। बिल्डिंग वही दाल माश मट्टी चुने से बनी हुई है। अब ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत चीज है, देखें जहां पे भी डबल डोर हो ना तो एक अंदर खुलते एक बाहर खुलते, ऐसे ही है ना। हाँ जी। पर ये जो डबल डोर है ये एक ही साइड पे खुलेगा, ये है सेफ्टी के लिए और ये खूबसूरती के लिए। इस आर्ट को कहते हैं ईरानी आर्ट, ये ईरानी आर्ट में बनाया हुआ है। और ये भी अंदर को खुलेगा, ये देख इस साइड पर। मैं एक हर चीज़ में एक जगह पे एक मास्टरपीस लाजमी होता है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो ये है इस चीज़ का मास्टरपीस। आप वहाँ पे खड़े होके देखें, वहाँ पे ये आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे मोर ने अपने पूरे पंख फैलाए हुए हैं, ऐसे ही है। झरोका, झरोका असल में है इंडियन आर्ट पर बनाया गया है। झरोका लफ्ज़ भी हिंदी है, इसका मतलब है कि वो खिड़कियाँ जिनसे बादशाह दीदार दिया करते थे आवाम को। तो जिसने यहाँ पे काम किया ना इलाहाबाद फिर जब, वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग को मैंने अपने दिल और दिमाग से बनाया है। आप ऊपर ही देखें, वो रोशनदान जैसे आंखों की शेप में है, अंदर देखिएगा दिल बने हुए हैं। वो देखें सामने, वो दिल बने हुए हैं, बाहर आंखें बनी बाहर की कि मेरा दिमाग लगा हुआ है, तो अंदर उसने दिल बनाया हुआ है कि मैंने इस बिल्डिंग में दिल लगा के काम किया है। तो इस अलमारी पे देखें, यहाँ पे यूरोपियन आर्ट बनी हुई है कि दोनों जानवर बने हुए, परिंदे,
और एक दरियाई घोड़ा और एक हंस। ये देखें ये बना हुआ है, हंस है ऐसे ही है ना, और ऊपर देखिए दरियाई घोड़ा बना हुआ है, सी हॉर्स। और ये देखिए जैसे कि आपको देखिए हर कमरा जो है वो सीन में खुलता है, ऊपर से देख ले नीचे से देख ले, ये है कंधार की तहजीब पे बना हुआ घर। तो लाया ऊपर चलते हैं, ये है वो वॉशरूम जहाँ उसका बेटे की वफात हुई अपनी शादी वाले में। वैसे वॉशरूम बाद में बनाया गया, पहले तो ये गुसल खाना था, नहाने के लिए स्पेस थी। और ये साथ में ये गीज़र है जहाँ, ये देखिए ये ईंटों का बना हुआ गीज़र है, यहाँ पे टैंक है, नीचे अंगीठी है जिसमें आग वगैरह जलाते थे और यहाँ पानी गर्म होता था। और आप ज़रा यहाँ पे स्टेयर देखिए, ऊपर ऊपर तक यहाँ से स्टेयर देखिए, ये है विक्टोरियन स्टाइल में लकड़ी की स्टेयर जो एक ही लाइन मेन दरवाजे की एंट्री। उसके बाद ये चिरागों के लिए जगह, क्योंकि 52 में हमारे पास पहले लाइट नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पे चिराग है। तो इन स्टेयर में खास बात ये है कि हर बंदे की ये आवाज अलग अलग देती है, ये जो है ना आपकी मेरी सबकी अलग अलग होगी। यहाँ पे ना कुएं का पॉइंट है, ये देखिए ये कुएं है, और कुएं के ना पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का बड़ा प्यारा सीन है कि यहाँ से पानी निकालते थे, ये चैम्बर के अंदर डाल देते थे, और यहाँ से आगे नालियों के जरिए पानी नीचे बिल्डिंग में चला जाता था। वो सामने सुराख बना हुआ है, आए फिर ऊपर चलते हैं। ये है समर सीजन के लिए गुसल खाना, गर्मियों के इस्तेमाल वाला। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही सेम कुएं वाला सीन है, ये देखें ये कुआं, ठीक है, यहाँ से पानी निकाला, ये इसके अंदर डाला, ये चैम्बर। और ये गर्मियों में ये पानी जो मार्बल लगा हुआ है यहाँ पे, ये पानी को ठंडा रखता है गर्मियों में, वाइट मार्बल जो मस्जिद नबी में लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मास्टर पीस में आ जाता है कि आप कार्विंग देखें, फूल अंदर से जैसे निकले हुए हैं। तो ये हमारा चिनोटी कार्विंग है, ये उस वक्त का जो है ना बाथ वगैरह, ये देखिए कमोड वगैरह। और यहाँ से आप ये झरोखा देखें कितना खूबसूरत है, ये आप देखें यहाँ पे भी ये दूसरी मस्जिद पे आ जाते हैं। तो यहाँ बड़ा खूबसूरत है, ये आपके जो पीछे दरवाज़ा है, ये दरवाजे में सिर्फ एक जोड़ है, ये सेंटर में लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये जो आर्ट आपको नज़र आ रही है ये बज़ातीनी आर्ट है, बज़ातीनी आर्ट, तुर्किश बज़ातीनी आर्ट। उसके बाद वो सामने देखिए ज़रा छत के ऊपर आपको चाइनीज़ आर्ट है, वो बना हुआ है विक्टोरिया पैलेस कोलकाता का। यहाँ पर दीवारें चीन, यहाँ पे सुंदरबन महल जो राजस्थान का है, और मेरे ऊपर बना हुआ है आगरा का शीश महल, यह है चाइनीज आर्ट में बना हुआ ऑयल पेंटिंग। आए साइड में चलते, ये देखिए अब इनकी ना खुलना और बंद होने में भी आर्ट है, जैसे तितली अपने पंख फैलाती है और ये आए उसके बाद इस साइड में। ये देखिए ये है उसके बच्चे का कमरा, गुलजार का बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा ये था। छत देखिए कितनी खूबसूरत है, यहाँ आतिशदानों पे कीमती पत्थर लगे हुए थे, याकूत मरजान वगैरह, तो लोगों ने इसे उतार दिया यहाँ पे। और देखिएगा हर खिड़की दरवाजा एक दूसरे के सामने है, हवा की क्रॉसिंग के लिए और वेंटिलेशन के लिए। इधर आओ, ये आप ये सीलिंग देखें। अब ये देखें यहाँ पे सिंधी अचरक बनी हुई है छत के ऊपर, उसने इस महल में हर कल्चर हर मिक्स किए हुए है।
आप लोग देखा हुआ है, आप तो लाहौर से ही हो, वो सामने दीवार लाहौर शेख किले का व्यू है ना, लाहौर शेख किले का ये व्यू है। ये देखिए ये सिंधी जिले का है, आगे सराइकी, ये देखिए ये सराइकी जिले, और यहाँ से शेर किधर है, ये यहाँ पे पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदू औरतें पूजा वगैरह करती थी। ये राजस्थान को शायर करता है, ये उनकी आर्ट है, और ये मेरा मोहम्मद की आर्ट है। जो पकवान उसके वलीमे के लिए पके वो मैयत की रोटी में बदल गए, एक ही रात में खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। माँ होशो आवास खो बैठी, वो खलाओं में घुरती रहती, कभी मुस्कुराती तो कभी रोना शुरू कर देती। एक रवायत के मुताबिक वो गुलजार की अंधोनाक मौत के एक साल बाद अल्लाह को प्यारी हो गई, जबकि एक दूसरी रवायत के मुताबिक वो गुलजार की वफ़ात के 4 साल बाद फ़ौत हुई, और उसकी वसीयत के मुताबिक उसे बेटे के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया, और यूँ ये महल अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान बन गया। इस महल और ताज महल आगरा में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। ताज महल आगरा हुस्न व इश्क की दास्तान सुनाता है, उमर हयात महल चिन्योट भी हुस्न व वफा का अमीन है। ताजमहल आगरा की तारीख चिन्योट के कारीगरों के बगैर नामुकम्मल है, उमर हयात महल की तारीख भी चिन्योट के हुनरमंदों के बगैर अधूरी है। ताजमहल आगरा में शहनशाह हिंद की मलका आराम फरमा है, उमर हयात महल चिन्योट में भी उमर हयात के दिल की मलका महवे इस्तराहत है। आज वो भी दीदाए इबरत है, आज ये भी दीदाए इबरत निशां है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।